नमस्कार, मैं उमेर आजमी। इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कौरा गहनी गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहे पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम जी, जिनका पूर्वांचल की सियासत में एक अहम किरदार रहा है, लेकिन इनके ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या के आरोप में MP MLA कोर्ट प्रयागराज ने जिनको सज़ा सुनाई थी, 4.5 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं। आइए सीधा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम जी। हीरालाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आप बाहर आए। धन्यवाद आपको। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो देश की सियासत है, मुद्दों से हट के राजनीति हो रही है, धर्म को संप्रदाय को लेकर मुद्दे बनाए जा रहे हैं, कैसे क्या लग रहा है आपको, कैसी सियासत से प्रदेश का विकास कहाँ पहुँचेगा? ज़रूरी तो ये है कि आज के जो हालात है कि देश का हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो है वो मानसिक रूप से एक तरीके से, वो मानसिक रूप से उनकी एक बीमारी है, उनके ऊपर एक धर्म का चादर चढ़ा हुआ है, जिससे वो अपने हर रोग को भूलकर आज इस तरह के माहौल बना रहे हैं। तो हमें ऐसे माहौल को से बचने के लिए हमने अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ तक रहा कि लंबे समय के बाद, मैं 4.5 साल के बाद जहाँ से मैं उस ज़मीन पाया हूँ, जहाँ से मेरी पहचान बनी है, जहाँ से मैं 2-2 बार विधायक रहा, यहीं से उत्तर प्रदेश सरकार का मैं मंत्री के रूप में नुमाइंदगी कर चुका हूँ, आज उस सरजमी पर आकर मुझे आप तमाम लोगों से मिलकर बड़ी अपार खुशी हो रही है। और साथ ही साथ मैं न्यायपालिका माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि जैसा कि कहा गया है कि सत्य प्रसन्न होता है पर पराजित नहीं, सत्य प्रसन्न होता है पर पराजित नहीं। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश, मतलब मुझे आज, मुझे लगभग 1 हफ्ते हुए यहाँ पर आए हुए, जमानत पर हूँ और मेरी सज़ा को भी उन्होंने सस्पेंड भी किया है, तब मैं आपके बीच में गांव-गांव चलकर मैं अपने लोगों के बीच में ये ईद की शुभकामना देने के लिए निकला हुआ हूँ। और फिर कभी भी आपसे बात होगी तो राजनीतिक मुद्दे पर बात किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, 4.5 साल बाद ये रिहा हुए हैं और अपने पुराने दोस्तों से, अपने क्षेत्र की जनता से मुलाकात करने पहुँचे, इस वक्त कौरा गहनी में हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए। कैमरा पर्सन अब्दुल मन्नान के साथ उमेर आजमी, कौरा गहनी, आजमगढ़।